हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पी नेहा। आज एक बार फिर से आपके लिए ओलंपियाड एग्जाम्स की इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ओलंपियाड एग्जाम्स से रिलेटेड अवार्ड्स के बारे में, और ये भी जानेंगे कि जो बच्चे इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करते हैं तो स्कूल लेवल पे, जोनल लेवल पे एंड इंटरनेशनल लेवल पे उनको क्या क्या अवार्ड एंड प्राइजेस मिलते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक अगर आप जानने के लिए क्यूरियस हैं, और वीडियो को पूरा ज़रूर देखें क्योंकि तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा कि क्या क्या इस वीडियो में बताया गया है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओलंपियाड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं वो अप्रॉक्स 32 कंट्रीज में कंडक्ट करे जाते हैं। जो 6 ओलंपियाड 2019 से 2020 के बीच में हुआ था उसमें अप्रॉक्स 1 मिलियन स्टूडेंट अपीयर हुए थे, और इसमें 1400 से ज़्यादा सिटीज़ थी और 56,000 स्कूल्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो पार्टिसिपेशन के बेसिस पे जो वैल्यू ऑफ अवार्ड की जो कैश अवार्ड था वो अप्रॉक्स 18 करोड़ रुपीस था। तो ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं कुछ फर्स्ट लेवल पे होते हैं और कुछ सेकंड लेवल पे होते हैं, तो जो इनको फॉलो करने का क्राइटेरिया होता है वो इसी बेसिस पे होता है कि कौन सा एग्ज़ाम फर्स्ट लेवल का है और कौन सा सेकेंड लेवल का एग्ज़ाम्स है। तो जो बच्चे होते हैं वो स्कूल लेवल पर, जोनल लेवल पर एंड इंटरनेशनल अवार्ड के क्राइटेरिया को फॉलो करते हुए ही इनको अवार्ड दिया जाता है। देखिए, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो अवार्ड हैं, जो प्राइजेज हैं, ये तो इनकी वैल्यू है, बट ओलंपियाड एग्ज़ाम के इम्पॉर्टेंस क्या है सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए, क्योंकि जो प्राइजेज मिलते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं, वो तो बात की बात है, वैसे भी इनके क्या इम्पोर्टेंस है सबसे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है। तो ओलंपियाड एग्ज़ाम्स में जो आपको मेडल मिलते हैं, जो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं, उनकी एक स्पेसिफिक वैल्यू होती है अपनी लाइफ में, और इसके साथ ही बच्चों में शुरू से ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठने की आदत पड़ती है, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को देने की आदत पड़ती है, और इसके साथ ही जो इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं बच्चा उसमें शामिल होता है तो वो भी अपने आप को एक एक्सपोज़र देता है इंटरनेशनल एग्ज़ाम के लिए। तो ये तो थी सारी इम्पॉर्टेंस। तो अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल लेवल के एग्ज़ाम की, कि इंटरनेशनल लेवल में जो बच्चे क्वालिफाई करते हैं उनको क्या क्या अवार्ड एंड प्राइजेस मिलते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल में जो बच्चा रैंक फर्स्ट लाता है तो उसको ₹50,000 कैश प्लस उसको सर्टिफिकेट मिलता है एक आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का, और उसके साथ ही एक उसको इंटरनेशनल गोल्ड मेडल भी मिलता है। तो ये तो थी रैंक फर्स्ट वाले की बात। अब रैंक सेकंड, जिन बच्चों की रैंक सेकंड आती है, सेकंड रैंक में बच्चों को 25,000 कैश रुपीज़ प्लस सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ उनको इंटरनेशनल सिल्वर मेडल मिलता है। इसी तरह रैंक थर्ड वाले को ₹10,000 कैश और एक सर्टिफिकेट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का एंड इंटरनेशनल ब्रॉन्ज मेडल मिलता है। अब अगर दो या दो से ज़्यादा बच्चों की सेम रैंक आती है तो जो कैश प्राइज होता है, जो कैश अवार्ड होता है, उनको इक्वली उनमें डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है और हर बच्चे को मेडल एंड सर्टिफिकेट मिलता है। अब बात करते हैं कि जोनल लेवल पे जो बच्चे क्वालिफाई होते हैं, जो रैंक लाते हैं, उनको क्या मिलता है। तो जोनल लेवल पे जिन बच्चों की फर्स्ट रैंक आती है उनको ₹1,000 के गिफ्ट मिलते हैं, इसके साथ ही उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है जोनल एक्सीलेंस का और जोनल गोल्ड मेडल भी उनको मिलता है। रैंक सेकेंड वालों को ₹1,000 के गिफ्ट मिलते हैं और इसके साथ सिल्वर मेडल मिलता है और जोनल एक्सीलेंस का एक सर्टिफिकेट भी मिलता है। रैंक थर्ड वाले को ₹1,000 के गिफ्ट और ब्रॉन्ज मेडल और जोनल एक्सीलेंस सर्टिफिकेट भी मिलता है। इस जोनल लेवल में जिन बच्चों की रैंक 4 से 10 के बीच में आती है उन बच्चों को ₹5,000 के गिफ्ट प्लस मेडल और सर्टिफिकेट मिलता है, और 10 से 25 रैंक के बच्चे, जो बीच के रैंक के जो बच्चे आते हैं, उनको मेडल प्लस सर्टिफिकेट मिलता है। अब बात करते हैं हम स्कूल लेवल की। तो स्कूल लेवल में जिन बच्चों के मार्क्स 100% आते हैं उनको गोल्ड मेडल मिलता है, या जो बच्चे टॉप रैंक में आते हैं उनको स्कूल की तरफ से गोल्ड मेडल मिलता है। तो ये तो थे सारे अवार्ड एंड प्राइजेस। इसके साथ ही बहुत से बच्चों को
स्कॉलरशिप भी मिलती है, कुछ इस तरह की स्कॉलरशिप होती है जिसमें कि उनको हर साल 5000 रुपीज़ की स्कॉलरशिप मिलेगी ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई और अच्छे से कर सकें। तो ये थे सारे ओलंपियाड के जितने भी इम्पॉर्टेंस, उनकी अवार्डेड, उनके प्राइजेस। अगर आप भी 2021 के सेशन में शामिल होना चाहते हैं या इस साल आप अपेयर होना चाहते हैं तो प्लीज़ SOF की वेबसाइट से रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें और इस वीडियो को जितना भी आप शेयर कर सकते हैं उतना ज़रूर करें। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।